अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, अरे आदम सलाम करो, सलाम जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बारिश में बाहर घूमने के लिए। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है कि घूमने जा रहे हैं, संडे आज हम लोग का, आप लोगों ने देखेंगे लास्ट व्लॉग तो उसके अंदर हम लोग उठते के साथ नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग अनार लेके बैठे थे जिसका हम लोग ने जूस बनाया। हाँ। और जूस बना के पी लिए बच्चों ने, पिए हमने, पिए। हाँ तो वो आप लोगों ने देख लिए। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, आज संडे हमारा घूमने वाला, लेकिन इतनी बारिश में कहीं दूर घूमने जा नहीं सकते तो बस इसको लेकिन यहाँ नर्सरी तो जा सकते ना, आसपास जा सकते, लोकल में जा सकते हो, पानी भरता वहाँ तो नहीं जाएगा, मालवीय में ज्यादा पानी भरता है नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, लेकिन मेरे को वही नर्सरी में जाने का जो ये साइड पड़ती है, पेट्रोल पंप उधर तक जा सकते। अपने यहाँ पे कितने पानी भरता है, अपने एरिया में 10 किलोमीटर दूर तक कितने पानी भरता है, जबकि हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े समंदर है, बहुत आपसा है, मार रहे है, दाना पानी है, बहुत सारे बड़े बड़े समंदर है, लेकिन फिर भी खैर तो है बच्ची की छुट्टी तो मैं बोली चलो जाके आते हैं, उसको भी पेड़ पौधे प्लांट वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पे ना धूप की वजह से और कबूतरों की वजह से यहाँ पे ना कोई प्लांट लगा नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो कबूतरों ने अपना घोंसला बना के रखा था जिस वजह से वो लोग कोई प्लांट का मेरा एक पॉट ढंग से रहने नहीं देते थे, लेकिन अब जैसे मैंने वो एरिया क्लीन कर दिया यहाँ से ज्यादा धूप नहीं आ रही, बारिश शुरू है, बोल के मैं बोली चलो एक आध ना रोज प्लांट ला के लगा देती हूँ, मेरा भी दिल बना रहेगा और उसमें भी थोड़ा नेचर की थोड़ा और करीब होगी, उसको भी बहुत अच्छा लगता है प्लांट में पानी डालना, गुड़ाई करना, बचपन से देख रही है वो मेरे को करते हुए, है ना बाबू? तो हम लोग जो संदीप बाबू रूम, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी प्लांटिंग की थी, वहाँ पे बहुत मतलब रोज कुछ दो चार फूल नए फूल आते ही थे, तो देखने का भी अच्छा लगता था, बाहर नहीं बोल सकते जैसे मैं घर पे आने का दूर से दिखता था, तो फूल खिले हुए कैसा, मेरी तारीफ नहीं करोगे मैंने कैसा, बहुत अच्छा इसने केयर किया था कि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था ना, एक्चुअली बच्चे पीछे भी नहीं थे वहाँ पे ना, पंछी ज्यादा आते थे तो सेफ थे वो। हाँ, और मेरी उजमा की भी एक खासियत थी कि ना वो जल्दी उठती थी ये देखने के लिए कि वो कली में फूल निकला के नहीं, और वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है जल्दी उठने का, एक बहुत मेरे लिए भी इवन कि कली आज कैसी हुई, आज कली कितनी खुली, उसके लिए जल्दी उठने का एक क्रेज होता था ना, और इतनी खुश होती थी ना मैं, फूल खिल जाता था जिस दिन, और आपके भाईजान मोगरे का प्लांट देख देख के खुश होते थे जब भी वो काम पे जाते थे, मोगरे की एक खासियत है मोगरा कभी भी सुबह में नहीं खिलता, वो मगरिब के वक्त ही खिलता है, तो जब रात में वो मोगरा खिलता था ना तब आपके भाईजान वहीं बैठे रहते थे, याद है तुम्हारे को? हाँ, उसे खुशबू बहुत पसंद थी इसके लिए एक्चुअली मोगरे की, है ना? तो चलो चल के देखते हैं अभी कौन से प्लांट्स मिलेंगे और जाके लेके आते हैं। और गाइस एक और चीज बोलना चाहती हूँ, अभी मैंने कैमरा ऐसा पकड़ी हूँ, आप लोग में से कुछ लोग हैं ना उज्मा को बोल रहे हैं कि वो बीच में बोलती है, बहुत बात करती है, ये करती है, देखो गाइस वो मेरी बच्ची, हमारी बच्ची, हम लोग से बात नहीं करेगी तो किससे करेगी, वो बात अलग है कि हमारा काम व्लॉगिंग है, बच्चे इतना बोलते हैं। हाँ, उनका ये डेवलपमेंट माइंड रहता है, डेवलपिंग माइंड रहता है, जिस वजह से उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो वो तो बात करेंगे, अभी उनको ये बोल के चुप नहीं बिठा सकती मैं कि चुप बैठ जा मेरा काम है, चुप बैठ जा मेरा काम है, इवन देखो अभी वो कैमरे के सामने उछल रही थी, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरे को भी समझ में आ रहा है कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं ना कि मैं व्लॉग के लिए अपनी बेटी को एकदम से वो कर दूं। और एक बात बोलने का था, कैमरे का एंगल देख के मत जज करो, ये मैं राइट हैंड है इससे मैं सलाम करता हूँ, नोटिस करना कभी आपको उल्टा दी ये लेफ्ट हैंड मेरी घड़ी रहती है, मैं कभी ऐसे सलाम नहीं करता, ठीक है? वो कैमरे का एंगल चेंज होता है, रिफ्लेक्शन सबको ऐसा उल्टा दिखता है, कमेंट आता है बच्चा तो बच्चा बाप भी उठा सलाम करता, तो ये नहीं, पिछले बार भी बोल रहे थे, कमेंट बच्चे भी आया था कि बच्चा तो बच्चा बाप भी उठा सलाम, मेरा बच्चा भी सीधे हाथ से सलाम करता है, इवन मेरा आजम भी सीधे हाथ से सलाम करता है, ऐसा। हाँ, तो रही बात हमारे बच्चों की, तो देखिएगा इस बच्चों में कमेंट मत कीजिए, हो सके तो निगेटिव तो बोल मत ही करो, अच्छा करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन निगेटिव मत करो, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है, हमको भी पता है अगर कुछ ज्यादा कर रहे हैं बच्चे तो हम लोग भी उनको सर पे चढ़ा के डांस नहीं करवाना चाहते, हम डांटते जहाँ जरूरत है डांटने की वहाँ डांटते, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बोल के, मैं अपने बच्चे को मतलब अपनी औलाद को झिड़काते रहो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना मेरे लिए व्लॉगिंग, हाँ जिनके लिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ उन्हीं का दिल तोड़ तोड़ के मैं करूँ तो मतलब ही नहीं आता है, तो चलो अभी जाते, और ये मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, है कुछ लोग जिन लोगों को 7 साल की बच्ची चाहते हैं कि वो एक मैच्योर बिहेवियर में आ जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत करेगी मैं डांटूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बातचीत को बिल्कुल ही मैं लॉक कर दूँ, ठीक है? चलिए बारिश हो रही है, बारिश
तो गाइस मैं आई थी यहाँ, यहाँ आना नहीं था एक्चुअली। हम लोग जो नर्सरी ढूंढ रहे ना वो शायद बंद है, मालूम है कि बंद हो गई, चेक करते जाके। और यहाँ पे तो है मतलब प्लांट्स है लेकिन फ्लावर समझ नहीं आ रहे, फ्लावर के प्लांट नहीं दिख रहे मुझे तो। वैसे भी बारिश में बहुत कम दिखते फ्लावर के प्लांट्स, और जैसे कि रोज मोगरा वगैरह हो गया ना वो बहुत कम दिखते, कली बनी हुई रहती है बहुत सारी, लेकिन कली से कैसे पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे है रोज के बहुत सारे प्लांट है लेकिन सबकी कली बनी हुई है, एक भी ऐसा खुला हुआ नहीं है तो ऐसा। बाकी दूसरे फूल मुझे इतने समझते नहीं है। खैर आप लोगों को कुछ दिख रहा भी नहीं होगा, बाहर बारिश ऐसी हो रही है। आजम कहाँ कर लामा अजू, तो आ गए हम लोग दूसरी नर्सरी में। आज तो हम लोग लेके जाएंगे जो चाहिए वो। एक ही रोज दिख रहा लाल वाला, एक दिख रहा पिंक वाला। बेटा जो है ना गुलाब है ना वो सर्दियों में बड़े बड़े खिलते, बारिशों में इतना पता नहीं चलता है। बारिशों में सिर्फ कलर लेके जाके तुम पाल सकते हो उसको। क्या वो नहीं है, गुलाब नहीं है बेटा वो, रुक जा। कड़ी पत्ता तो लूंगी, हो कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता देखो क्या पत्ते है। देसी रोज बताओ, देसी रोज कहाँ, येलो में है। देसी रोज का कौन सा प्लांट है, हा? अभी फूल नहीं है तो कैसे पता चलेगा वो देसी रोज है। कौन सा है ये कश्मीरी रोज प्लांट है ना, खुशबू नहीं है तो खुशबू वाला प्लांट नहीं बाबू, ये तो वही है कश्मीरी। हाँ इसमें काफी सारे फूल आते हैं, साल के 12 महीने फूल आते हैं इसमें, लेकिन वो पूरा झाड़ वो हो गया बाबू, मुर्दा हो गया, इसको काटना पड़ेगा, प्रूनिंग की जरूरत है, बुढ़ा गया वो। ये देखो लींबू का झाड़, ये देखो छोटे छोटे से लींबू, ये देखो कितना बारीक लींबू आ रहा है अभी इसके अंदर। ये कितने का पौधा, ये 450 तक जाएगा एक पौधा। हाँ बराबर बराबर बराबर। हाँ नहीं हाथ लगाओ बेटा, जाने दो छोड़ो, अच्छा है वो ग्रो हो रहा है। उसमें क्या खराबी है, क्या हुआ उसको अभी, बरसात के मौसम में पानी पड़ने से थोड़ा दिक्कत होती है। अच्छा बारिश के सीजन का कौन सा पौधा है वो बता दो। हाँ कौन सा, ये और ये वाले, ये कौन सी, कौन सा फूल, कौन सा ये फिनेल, खुशबू आती है उसमें। बोलो बाबू कोई जमा तुमको, तो यहाँ से तो मैं ये एक ही प्लांट ले रही हूँ, एक ही मुझे थोड़ा हेल्दी दिख रहा है ना बाबू। हाँ वो हाँ वाला ये वाला येलो वाला, बाकी दूसरी जगह देखते कुछ जमा तो ठीक है, नहीं तो अभी तो फिलहाल। तो फाइनली मैंने ये वाला प्लांट ले लिया है। गाइस कैसा होता है पता है, बारिश में प्लांट लेने का एक फायदा है, अगर आपको फूल का कलर दिख रहा है और वो झाड़ की जो भी कंडीशन है आप ले लो, उसको प्रूनिंग वगैरह करो, उसको काटो छूटो और उसको अभी ग्रो होने दो, फिर वो सर्दियों में जो फूल देगा ना, कैसे बड़े बड़े फूल आते हैं बाबू, फिर हेल्दी फूल अच्छे बड़े है ना, मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे आदत है इनकी केयर करने की। हाँ मुझे केयर करने की आदत है, बस खाली ना लेते समय पे ना बारिशों में एक ही चीज का ध्यान देना कि उसमें हेल्दी मतलब स्टेम ज्यादा हो, एक सिंगल स्टेम वाला नहीं लेने का, जैसे अभी मैंने ली 3-4 स्टेम है इसके अंदर, तो ऐसा। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे दूसरी नर्सरी में, आज हम क्या नहीं है। हाँ तो और फूल खरीदना बेटा, कड़ी पत्ता लूंगी इंशाल्लाह। जब अपने को नहीं लेने का रहता ना फूल प्लांट वगैरह तो बहुत सारी नर्सरी दिखती, बड़ी बड़ी नर्सरी दिखती, अक्सर रोड पे भी है बड़ी नर्सरी, याद है ना हमको। लेकिन जो नर्सरी हम लोग ढूंढ रहे ना वहाँ पे सबसे सस्ता प्लांट मिलता है 50 रुपए का, कोई भी प्लांट लो 50 रुपए का, अच्छा अच्छा वाला, लेकिन वो मिल रही नहीं हमको। चलो देखते
फिर इन्होंने गाड़ी घुसा है कोई एक लेफ्ट में। ओह माय गॉड, खत्म हो गया। नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं ये हो ही नहीं सकता। हां मतलब स्लिप है। हां यहां पे तो स्कूल है ये। नहीं यहां पे तो हो ही नहीं सकता। मेरे को याद है ना जहाँ पे अपन पहले रोड पे गए ना, वही जगह पे थी नर्सरी। लो लेके खाओ जल्दी। यहाँ पे छोटी सी पार्टी हो रही है, आजम की छोटी सी पार्टी हो रही है। खाओ, तुम खाओ, उनको मत खिलाओ, तुम खाओ। कैसे खाते खा के देखो। गुड बॉय। हम लोग मजे कर रहे हैं गाइस। नर्सरी तो मिली नहीं, तीन चार नर्सरी देखे, एक तो बंदी थी, लेकिन फिर भी मजे कर रहे हैं हम लोग। कहीं तो घूमो फिरो, नर्सरी तो घूम तो रहे और कितना घूमेंगे बेटा। सारा कुछ घूम लिए हम लोग, सारा कुछ घूम लिए, बहुत घूमे, बहुत इधर भटके उधर भटके, एक ही झाड़ लिया हमने और बीच में कुछ चिप्स खाए और फिर पहुंच गए हम लोग वापस अपने फेवरेट खाने की तरफ। इन लोग के, मेरे नहीं, इन लोग के फेवरेट खाने, उज्मा को बहुत पसंद है रोशन रॉन का चाइनीज। हाँ। मुझे भी चाइनीज अगर पसंद है तो यहीं का पसंद है, वरना मुझे कहीं और का इतना शौक से मैं खाती नहीं। हाँ। अरे गाड़ी खोलना। लेकिन यहाँ रोके, गाड़ी रोके, इतने जोर की बारिश आ रही है कि अभी क्या ही बाहर निकलने का। रुको बताती आप लोगों को, अभी हुई है इतनी जोर की बारिश। इतनी जोर की हो रही थी क्या बारिश? ये टड़ाटड़ चालू हो गई। अभी सामने ही हम लोग होटल के घर पे बिरयानी रखी है, मालूम इतनी बिरयानी है कि अभी हम लोग तीनों पेट भर के खाएंगे, फिर भी एक जने का बचा रहेगा रात को, लेकिन फिर भी अभी खा लेते हैं। देखो गाइस हम लोग अच्छी बारिश में निकले ले। क्या देखो, इतने रेनकोट देना था, घर से निकलने के टाइम पे इसका रेनकोट पहना दे, मेरे को भीग रही हूं मैं पूरा। रुक जाओ, फाइनली हम लोग पहुंच गए। अरे छतरी घूमेगी तो नहीं ना? चल थोड़ा आगे करो ना, पीछे गिरने का डर लग रहा है। खुश हो, मजा आ रहा है आदम को, मजा आ रहा है। सोया नहीं है खुशी के मारे आज, 3:30 बज रहा है। टाइम पास कर रहे, टाइम पास। मैंने अभी एक ट्रिक बनाई, बताओ कैसी? मैंने फोकस उसमें डुबाया और जो तेरे मेरे ना उसको इसमें लटका दिया, बिल्कुल ठीक है लगा। मजा आया ना? ये आदम का तो कुछ अलग ही चलता रहता। खिलाओ उसको एक टुकड़ा चटनी के साथ, खिलो। तुटवाना, पूरा मत डालना, नहीं तो नहीं खाएगा। काटेगा ना तो खाएगा। नहीं मैं मंगाऊंगी और एक चटनी, टेंशन मत ले तू। चटनी चाटता है आगे तू। जैसे चटनी चटाओ ना, जब उसको पता चलेगा ना की का पता तब पता चलेगा। क्यों ऐसा बोले? मुझे बिरयानी भी खाने का। अरे वो बात की बात है, खाओ पेट भर के खाना। देखो ये है हमारा सॉस। सो गाइस, इतना बाहर भटकने के बाद, खाना खाने के बाद, फिर हम लोग और कहीं और आए हुए, बताओ कहाँ। आप लोग तो देख के समझ ही गए होंगे कहाँ आए हुए। देखो अस्सलाम वालेकुम, खाते खाते बात कर रही है। हाँ। जो आप दोस्त का अभी खासी खासी नहीं, मैंने बोला है, बताया है लोगों को मेरी खासी जा ही नहीं रही है और आज इतना हम लोग बाहर निकले थे, लेकिन मजा आया। कुछ भी बोलो, अल्लाह ने हम लोग को हिफाजत से बाहर लेके घुमा है, मेरा हिफाजत से घर पे लेके आया। हम लोग डरते डरते घर से बाहर निकले, क्योंकि ऐसे माहौल ऐसा ना बारिश का, तो हम लोग सोचे थे मालोनी के बाहर ही नहीं जाएंगे मतलब, और हम लोग मालोनी में ही घूमे, खाली एक नर्सरी के लिए हम लोग मारवे रोड पे गए थे।
अक्सा मारवे भी बंद है इतनी बारिश अक्सा बंद है बारिश इतनी है हमें सब जगह भरा पड़ा हुआ है। अच्छा वो ये जो हादसे हो रहे ना बहुत सारी दुकान है तुमको पता और एक एक चीज बताओ तुमको नहीं मालूम रहेगा मेरे को नहीं मालूम था तो शायद मालूम भी रहेगा क्योंकि आजकल तो तुम मेरे से ज्यादा बाहर जा रहे अपना चारकोप पे जो फर्नीचर की शॉप थी हाँ मेरे को ये चीज पता ही नहीं दुकान देने के लिए हमको कॉल किया था कल देखो नहीं मालूम सारे नया बनाया था मतलब मैं वही बोली इनको कि कितना खर्चा हम लोग जब गए थे ना ये सब लेने तो उसने बता दिया था कि भाई ये तारीख को ना सामान उठा लेना मेरे को नहीं मालूम था ये सामान के बाद है ना हम लोगों को ये सब छूटने वाला है तो हम लोग और मैंने आज वाले की नई चीज देखी चार सौ पे ब्रिज बन रहा है मैंने ब्रिज पहली बार देखी आज और वो जो फर्नीचर की दुकान है ट्रैफिक रहती ना मिर्च चौकी की आधे घंटे वाली वो खत्म होने वाली है कमाल ये लोग ने दुकान जो लगाए थे ये नहीं मेरे को एक ही इंसान का याद है क्योंकि ना उसने ताजा ताजा हमने खरीद के उसने पूरा अंदर बनाया था कांच का पूरा मैंने वो एक देखी थी अभी हमारी कांच टूटी हम लोग क्यों नहीं बना रहे क्योंकि हमको पता था जिसने बना के दिया था ना उसने बोल दिया मैं पहली बार गई सच में मेरा इतना ध्यान नहीं रहता मतलब मैं निकलती नहीं इतना कम निकलती बाहर निकलती हम लोग का ये जो लाया था ना फर्नीचर का लास्ट दिन था किया था कि भाई कल तक नहीं लेके जाएंगे ना तो मैं दुकान दूसरे जरा चोरी मैं ये सामान लेकर चले जाऊंगा तो आपको वहां से पिक करना और पूरा मिर्चो का एरिया बदल गया सारी सारी बिल्डिंग खड़ी हो रही मैं मैं यहीं पे रहती हूँ गाइस मैं इधर ही की रहती हूँ लेकिन नहीं मालूम है मैं आज देखा ना देखिए सब देखिए पूरा चेंज हो गया वैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था तो क्या बात करके आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए मालूम क्योंकि हम जब ये रूम बन रहा था तो हम लोग भागम दौड़ी कर रहे थे ना टाइल्स के लिए फर्नीचर के लिए ना वहाँ पे नर्सरी है नहीं कुछ नर्सरी भी हट गई पूरी जितनी झाड़ की नर्सरी थी ना दो दो तीन तीन वो भी हट गए तो नहीं मालूम था बाबू मिर्च चौक का वो हट गया करके सब तो तुमने मुझे आज ऐसा बताया जैसे कि दो चार दिन के अंदर ही वेला ये सब चीज़ जब भी जब हुआ है यहाँ पे शेरू कुछ काम कर रहा है और भाई है ना सब लोग है यहाँ पे लेकिन मैं यहाँ पे शुरू हो गई तो खत्म ही नहीं होती मेरी कहानी कॉफी भी मस्त गरम गरम मिट्टी मिट्टी अभी यहाँ से जाएंगे घर पे उसमें को थोड़ा पढ़ाऊंगी बस और क्या दिन खत्म सही ना मैं सही है लाइक करो शेयर करो नाजिया शेख इंडियन ब्लॉगर ठीक है चलो अल्लाह कैसा 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 या अल्लाह बोलो आजम दुआ करो गाइस ये दुआ करता है और यहाँ पे ये दुआ करवा रही है या अल्लाह वो ऐसे नींद आ रही है उसको हाँ मेरा कैमरा भी कितना ये अल्लाह 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 तो गाइज हम लोग आ गए घर पे और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बाहर आके मैं गमले में से पानी निकलवा रही हूँ और कोई भी गमले में एक मैं इसको फिट कर दूंगी ये झाड़ू इस वाले में हाँ इसमें डालूंगी इसमें थोड़ा कोकोपीट भी है मेरे पास कोकोपीट भी मिक्स करूंगी मैं इसके अंदर खाद भी है मेरे पास सब मिक्स करूंगी थोड़ा इसमें का पानी निकाल दूंगी तो ऐसा है आपके वीडियो को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ कोकोपीट कोकोपीट फिर मुझे दिखाना वो कैसा दिखता है बहुत हार्ड होता है ये बहुत मेहनत का काम होता है निकल खोल खोल ऐसा ऐसा करके मैं थोड़ा पानी में डाल दूंगी ऐसी वैसे तो बारिश नहीं होती ना गाइस तो मैं बहुत तौर तरीके से करती हूँ लेकिन यहाँ पे ना बहुत पानी बहुत है तो इसके लिए ऐसे ही करना पड़ रहा है तो फाइनली ये लग गया झाड़ देख रहे हो आप लोग मैंने वो बाजू की कली भी काट दी क्योंकि वो कली ना ऐसी मुर्दा थी अगर वो खिलने की कोशिश करती तो ये झाड़ ना फिर जड़ नहीं पकड़ता है यहाँ पे नई मिट्टी में तो इसके लिए मैंने हटा दी बस ये वाला फूल रहने दिया मैंने कि अभी जाने दे अभी ये खिल रहा है रहने देते वरना इसको भी निकाल देना तो फिर झाड़ बहुत अच्छे से जड़ पकड़ेगा और अच्छे से ग्रो होगा बस मसला एक ही है कि ना यहाँ से बारिश कंटिन्यूसली आती है ना तो पॉट में पानी भरते रहता है तो ऐसे है